Thank you.
वो आप आगे समझ सकते हैं। चलिए
Let us understand about type of forces. We have two types of forces. One is known as quantum force or forces. Second one is known as non-quantum. Force. Non-contact
Second one is electro static force. Third one is magnetic force. आइए समझते हैं ये क्या है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एज नेचुरल फोर्स विच एक्सर्टेड बाय मास. मास के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है. जब अर्थ होती है उसका मास ज्यादा होता है. एम वन और एम टू सपोज कर लीजिए तो एक मास एक्सर्ट करती है और किसी भी मास का मास दस एमजी के से समथिंग हैपन वेट दैट इज कॉल्ड एज मास. उसमें क्या होता है कि कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी. ऊपर से उसको हम गिराना शुरू करेंगे इट विल श्योरली कम डाउन. कभी वो ऊपर नहीं आएगी. हाँ बाउंस बैक तो क्या सकती है बट ऐसे ऊपर नहीं आएगी. तो जो प्रेशर हो गया जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल. इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो चार्ज होता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस की वजह से होता है और इट कैन रिपल ये रिपल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है. इसके लिए आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि यू विल हैव टू रब योर पॉम अलोंग विद योर हेयर आफ्टर वर्ड सम बिट्स ऑफ पेपर पुट इट नियर बाय एंड टेक योर होम ओवर देयर. Balanced and unbalanced forces. So yes, this is all about. Thank you.